यह टेबल पंखा का यह कोर है जो कि दिखाई दे रहा होगा, क्वाइल वगैरह कटिंग करके इसमें पेपर लग गया है जो कि 24 स्लॉट है इसमें। गाय जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है यह टेबल पंखा का है या नहीं, पहली बार अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यह भी टेबल पंखा का है, इसमें क्वाइल अभी लगा हुआ है। कंपनी जो बनाती है वो कंपनी का यह सेम डिजाइन है, ऐसे ही सेम हम भी बनाएंगे। थोड़ा इसका डाटा अलग रहने वाला है जो कि कंपनी से ज़्यादा स्पीड चलने वाला है और लाइफ टाइम भी बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। ये अभी भी अगर यकीन नहीं हो रहा है तो गाइस यहाँ टेबल फैन देख सकते हो, यहाँ पर टेबल फैन है, इसके पीछे जो क्वाइल होता है ये देख सकते हो, ये जैसे इसमें चारों बगल ये निकला हुआ है, ये नट लगाने के लिए इसमें भी देख सकते हो, यहाँ है नट लगाने के लिए। इसको जब बॉडी को खोलेंगे अंदर से ऐसा ही कोर निकलता है, ऐसा ही क्वाइल बना हुआ रहता है। तो गाइस अगर आपके पास टेबल पंखा है, खराब वगैरह हुआ है, कचरों में फेंका हुआ है, या आप न्यू काम सीखना चाहते हैं, तो गाइज मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो है जो कि ओरिजिनल परफेक्ट डाटा बताने वाले हैं। एंड गाइज कैसे इसको वाइंडिंग करेंगे खुद से कम समय में वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले गाइज इधर आप देख सकते हो, यहाँ जो क्वाइल बनाए हुए हैं रनिंग का और स्टार्टिंग का, टोटल इसमें जो क्वाइल भराएगा यहाँ पर टोटल क्वाइल बन चुका है जो कि आप देख सकते हो, 1 2 3 टोटल सब में तीन तीन का क्वाइल्स है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन, सरों में तीन है, इस तरह से 12 क्वाइल्स है टोटल। एक क्वाइल अगर उठाते हैं हम, जैसे ये क्वाइल उठाएं, जैसे इसमें भरेंगे इस कोर में, तो दो घर ले लेगा एक क्वाइल, दो घर एक क्वाइल लेता है। इस हिसाब से टोटल 12 क्वाइल्स है, इसमें 24 घर है, 12 × 24 मतलब परफेक्ट यहाँ पर फुल है। नीचे का दोनों स्टार्टिंग क्वाइल है और ऊपर का दोनों रनिंग क्वाइल है। तो गाइज क्या डाटा रहने वाले हैं, पहले कुछ आपको डाटा क्लियरिंग कर देते हैं फिर वाइंडिंग करने के लिए बताएंगे। सो गाइज यहाँ पर डाटा, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं टेबल फैन है ये, या इसे एडजस्ट फैन भी बोल सकते हैं। इसमें टोटल कितना है, 24 स्लॉट है, 24 स्लॉट मतलब 24 घर है इसमें, उसी को हम लोग स्लॉट बोलते हैं। तो गाइज इसमें दो वाइंडिंग होता है, एक तो होता है रनिंग वाइंडिंग और एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो डाटा क्या रहने वाला है यह हम जानेंगे। सबसे पहले तो गाइज क्लियर यह हम बताना चाहेंगे, रनिंग जो होगा तीन तीन सेट का बनेगा, स्टार्टिंग भी तीन का सेट बनेगा, मतलब तीन तीन का सारा प्रोसेस आपको भी समझ में आ जाएगा क्लियर जैसे हम बताएंगे, और भरेंगे तो आप तो सारा चीज़ आप समझ जाओगे। तो गाइज देख सकते हो यहाँ क्या सब लिखे हैं, 1 8 1 10 1 12 मतलब 1 8 पर जो हम क्वाइल्स भरेंगे, पहले रनिंग का 8 से रनिंग लिखे हैं, 8 से स्टार्टिंग, 1 8 पर जो हम भरने वाले हैं उसमें यहाँ पर हम देने वाले हैं 330 टन फर्स्ट क्वाइल में। इस सेकेंड में भी वही देंगे 330, इसमें भी वही रहेगा 330, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर फिर स्टार्टिंग का भी वही रहेगा 1 8 1 10 1 12 क्योंकि तीन तीन का सेट बना रहे हैं। सो गाइज यहाँ स्टार्टिंग का जो डाटा रहने वाला है टर्न्स, ये हम टर्न्स लिख रहे हैं, ये टोटल जो 330 ये टर्न्स है, यहाँ पर लिख भी देते हैं रनिंग टर्न्स, स्टार्टिंग टर्न्स मतलब कितना फेरे है उसी को टर्न्स बोलते हैं। इसमें हम देने वाले हैं स्टार्टिंग में 300 टर्न टोटल में 300, इसमें टोटल में 350 रहने वाला है। अब गाइज बात आती है 300 टर्न्स तो हम इसमें दे देंगे क्वाइल्स, क्वाइल्स कितना मोटा या कितना पतला देंगे उसके लिए गाइज SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, इससे पता चलता है कितना नंबर का वायर है, कितना मोटा है पतला है। तो गाइज यहाँ 35 नंबर वायर दे रहे हैं, और ये जो स्टार्टिंग है इसमें भी SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ये भी 35 नंबर है। अब गाइज क्वाइल्स दो तरह की होता है, एक एल्युमिनियम होता है, एक कॉपर होता है। यहाँ हम एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं जो कि काफ़ी सस्ता होता है और काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ भी लिख देते हैं एल्युमिनियम, एल से एल्युमिनियम होता है, अगर कॉपर होता है CU लिखते कॉपर। अब गाइज बात यह हम करते हैं, ये देख सकते हो जैसे कि ये क्वाइल्स तो हम पहले से बना लिए, आपको नहीं बताएं कैसे बना वो भी बताएंगे लास्ट में। तो गाइज ये जो एक फेरा है इसका भी तो कुछ ना कुछ साइज होगा, मतलब कितना साइज पे अंटेकरे, तो आप कुछ बड़ा छोटा तो नहीं करोगे, इसका एक साइज होता है, कितना साइज पर ये क्वाइल उतारेंगे जो कि हाँ परफेक्ट स्कोर में बैठ जाएगा। उससे पहले गाइज ये नापना होता है, ये मेरा 1 इंची है, 1 इंची का कोर है। आप भी अगर बनाते हो तो कोर मिला लेना है, इसका कोर जो है यहाँ पर लिख देते हैं पहले CORE कोर है 1 इंची, इधर स्लॉट लिख देते हैं SLOAT, मतलब ये स्लॉट हुआ 24 पीस जो इसमें घर है 24 पीस लिख दिए। अब इस क्वाइल्स का तो फर्स्ट क्वाइल और सेकंड क्वाइल थर्ड क्वाइल तीनों का कुछ ना कुछ साइज होगा, तो यहाँ पर हम साइज लिख देते हैं क्वाइल साइज जो होने वाला गाइज फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट ये जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा इसमें जो क्वाइल्स है वो है 8 इंच लिख देते हैं। उसके बाद है एक इंच ऊपर बढ़ते जाएगा, तीन क्वाइल्स है, एक हो जाएगा 9 इंच, यहाँ 9 इंच लिख दे, एक हो जाएगा फिर 10 इंच। इस तरह से ये रनिंग का साइज हो गया, फिर स्टार्टिंग का भी साइज होगा कुछ ना कुछ, स्टार्टिंग का भी साइज सेम है इसलिए यहाँ पर हम सेम लिख देते हैं। अब गाइज बात करते हैं वेट की, इसमें वायर कितना लगता है, तो उस हिसाब से ही हम पता कर पाएंगे
इसमें मतलब टोटल कितना खर्च आता है। तो गाइज दोनों रनिंग और दोनों स्टार्टिंग का यहाँ कटा लगा हुआ है, जीरो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हो। दोनों यहाँ पर हम रनिंग रख लेते हैं, जो कि देख सकते हो मात्र यहाँ पर 50 ग्राम हो रहा है रनिंग, जो कि यहाँ हम पहले डाटो में लिख लेते हैं। यहाँ रनिंग का जो है क्या है वेट, रनिंग का वेट है यहाँ पर मात्र 50 ग्राम। अब स्टार्टिंग का भी वेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग यहाँ पर कितना होता है। सो गाइज ये स्टार्टिंग का भी डाटा देख सकते हो, ये 46 ग्राम हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं ये स्टार्टिंग का जो वेट है वो मात्र 46 ग्राम है। इस हिसाब से टोटल वेट अगर हम देख लेते हैं तो टोटल वेट कितना हो रहा है 50, 46, 96 ग्राम मात्र हो रहा है टोटल वेट। इस हिसाब से गाइज इसमें टोटल खर्च क्या आएगा यह भी हम लास्ट वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक में कितना खर्चा आ जाता है। तो गाइज इससे पहले अब आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, जो कि फुल्ली परफेक्ट डाटा है। गाइज अब हम वाइंडिंग करेंगे, तो कोर को पहले रनिंग वाइंडिंग करेंगे और कहाँ से करेंगे कैसे करेंगे यह जानने वाले। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ताकि पकड़ने में आसानी रहे, तो ये इस तरह से यहाँ पर छेदा था, तो यहीं पर हम अभी वाइंडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले रनिंग का वाइंडिंग होगा, तो रनिंग का इसलिए वायर ले लिए हैं। और गाइज बता दें कि यहाँ पर देख सकते हो इधर से थोड़ा ज़्यादा गैपिंग दिखाई दे रहा होगा और इधर से बहुत कम है, तो लूप जो निकलेगा इधर निकलेगा, जिस साइड ज़्यादा कोर रहता है इस पत्ती से उस साइड लूप निकलते, ये देख सकते हो इधर थोड़ा ज़्यादा है, इधर है, इधर बहुत कम है, तो इस तरफ लूप निकलेगा, तो हम लूप इधर निकालेंगे इसलिए इस साइड कर दिए हैं इधर। तो गाइज अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर का कॉइल उठाएंगे, सबसे पहले ये देख सकते हो। सो गाइज ये फर्स्ट कॉइल उठाए हैं जो कि सबसे छोटा था, आप देख सकते हो इसमें और जो भी है बड़ा है। तो गाइज ये फर्स्ट कॉइल का ये फर्स्ट लूप जो होता है ये देख सकते हो, इसमें कुछ ज्वाइंट वगैरह नहीं है, ये फर्स्ट लूप मेरे साइड रहेगा और इस तरह से भरेंगे, पहले किसी एक में डाल देंगे, किसी भी एक में, बेधड़क यहाँ पर कोई देखने वाली बात नहीं है, किसी भी एक में इस तरह से डाल दिए हैं जो कि देख सकते हो। फाइनली डालने के बाद अब यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे हम बताए हुए थे डाटो में 1/8 × 330 टर्न है, तो इस हिसाब से गाइस 6 घर बीच में छोड़ेंगे तभी 1/8 पर ये आएगा। तो गिनती कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब इसमें भरेगा, तो इसमें अभी भरते हैं। तो फाइनल गाइज यहाँ पर अब देख सकते हो इसमें डाल दिए हैं, यहाँ अभी लॉक लगाना है, इससे पहले यहाँ देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर बीच में खाली। अब यहाँ से जब गिनती करेंगे जिसमें भरे हैं और जहाँ इधर भरे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 1/8 पर ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो यहाँ अभी फिर लॉक लगाएंगे, जैसे इधर लॉक लगाए हैं, लॉक लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, ये देख सकते हो गाइज ये 7 नंबर का फिल्म पेपर है, तो इस हिसाब से ये गाइज लोग यहाँ पर फाइनली लग चुका है। अब ये जो बंधे हुए थे क्वाइल बनाने के टाइम में ही यहाँ पर बंधे हुए हैं, इसको अब एडजस्ट करना है अपने हाथ में, इस तरह से करना होता है। ये देखो गाइज काफ़ी ये इसका देख सकते हो साइज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, बॉडी वगैरह में कहीं भी टच नहीं होने वाला, नहीं छोटा है नहीं बड़ा है। अब ये जो फर्स्ट लुक है इसको मोड़ कर इस तरह से रख लेंगे ताकि बाद में पता चले यही मेरा फर्स्ट लुक है। तो गाइज अब यहाँ पर ये देख सकते हो ये जो अब दूसरा कॉइल गया है, ये देख सकते हो इससे अब दूसरा कॉइल में अटैच हुआ है ये इसमें, तो अब दूसरा कॉइल उठाते हैं, ये दूसरा कॉइल उठा लिए हैं, अब जो यह भराएगा यहाँ पर कनेक्शन की बात है और समझने की भी बात है। तो गाइज अब देख सकते हो ये जो लूप है ये अब लूप इस साइड आएगा, इस तरह से डालेंगे तब 1/3 पर कनेक्शन होता है, 1/3 पर कनेक्शन करना होता है, जितना भी मोटर वगैरह फैन वगैरह कुछ भी होता है तो 1/3 पर ही कनेक्शन होता है, तभी पंखा बनता है। तो गाइज इधर का लूप अब इधर आएगा और ज्वाइंट दूसरा इसमें जो फिर आया हुआ है इधर रखे हैं इधर, और इधर यहाँ से जो निकला है वो मेरे साइड फिर आ रहा है, तो अब इसमें फिर भर लेते हैं। और क्वाइल बनाने के टाइम में इसमें ज्वाइंट वगैरह भी हुआ था, जो कि ज्वाइंट है बाद में ज्वाइंट भी करना होगा। फाइनल गाइज ये देख सकते हो जब क्वाइल बना रहे थे टूट गया था, जिसका कारण ये पर ज्वाइंट करना पड़ा है, बाद में इसको स्क्रैच हटा कर फिर ज्वाइंट कर देंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो इस तरह से हम दूसरा कॉइल भी भर लेते हैं, देख सकते हो काफ़ी आसानी सब जो ये दूसरा कॉइल भरे हैं कहाँ पर भरे हैं ये भी आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट वाला था इसके जस्ट एक ऊपर भरे हैं फिर दूसरा कॉइल। फिर अब गाइज इधर जो भरेंगे इधर भी इसके एक ऊपर भरेंगे, ये भरा हुआ है फिर इसके ऊपर भरेंगे इस कॉइल को, ये फिर देख सकते हो इस तरह से भरना होता है, ये भरा गया है इस तरह से। अब यहाँ पर फिर लॉक डालेंगे फिर तीसरा कॉइल भरेंगे,
यहाँ पर दो क्वाइल अब कंप्लीट हो चुका है। फिर अब इसको जब गिनती करेंगे, ये जो अभी भरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 10 पर हो रहा है, जैसा कि डेटो में बताए थे 1 8 1 10 1 12। अब ये जो भरेंगे ये 1 12 पर भराएगा गाइस। इसको भी आप चाहो तो काउंटिंग कर सकते हो बाद में 1 12 पर होता है या नहीं होता है। अब फिर इधर से जो लूप, इधर से ये लूप देख सकते हो, इधर से जो लूप यहाँ आया है इस क्वाइल में, फिर ये मेरे साइड आएगा, इधर आएगा, इधर इस तरह से फिर इसको भर लेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हो गाइस, फिर एक उसके ऊपर भरेंगे, पहले जो भरे थे उसी के ऊपर भर रहे हैं। यहाँ पर तीसरा क्वाइल भी कंप्लीट हो चुका है जो कि देख सकते हो गाइस। अब यहाँ पर फिर इसके एक ऊपर नहीं भरना है, इधर एक साइड हो गया, अब एक साइड इधर से भरेंगे। तो इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर टोटल 2 लूप्स हो गए हैं, 1 लूप पहले ये मोड़ कर रखे हैं इधर, और 1 लूप अभी हो गया, मतलब एक साइड 2 लूप होता है और फिर इधर भी 2 लूप होगा। फिर अब इसको अब नीचे करते हैं इस तरह से लूप, फिर इधर सारा लूप जितना निकालेंगे इधर ही निकालेंगे। फिर अब दूसरा क्वाइल उठाएंगे, ये जो बचा है अभी रनिंग के लिए 3 क्वाइल, फिर इसमें सबसे छोटा उठाएंगे और सबसे छोटा का जो भरेंगे, सबसे पहले जो ये लूप रहेगा फर्स्ट नंबर का, फिर मेरे साइड लूप रहेगा, जितना लूप रखना है वो अपने साइड रखना है और इस तरह से भरते जाना है। अब जो भरेंगे यहाँ देख सकते हो, यहाँ से 1 2 2 घर यहाँ छोड़ देना है और इधर से भी 2 घर छोड़ कर भर देना है। ये देख सकते हो गाइस, 2 घर छोड़ दिए हैं, 2 घर छुटा है बीच में, और यहाँ तीसरा में डायरेक्टली भर दिए हैं, इस तरह से भरना होता है। यहाँ पर इधर भरा गया है, अब फिर इधर भी 2 घर छोड़ देंगे, मात्र 2 घर छोड़ना होता है। ये फर्स्ट क्वाइल कंप्लीट हो गया है, इसका लूप जो है फिर मोड़ कर रख लेंगे इस तरह से। फिर अब इसमें दूसरा क्वाइल्स उठाएंगे, फिर दूसरा जो उठाएंगे यहाँ इसके एक ऊपर, यहाँ भी एक इसके ऊपर भरेंगे, यहाँ भी बीच में 6 घर छूटा है मात्र, 1 8 पर ये भी भराया है फर्स्ट क्वाइल, फिर दूसरा क्वाइल 1 10 पर आएगा। उसी तरह से ये दूसरा क्वाइल फिर उठा लेते हैं, और दूसरा क्वाइल का इधर से जो लूप निकला है इसमें जो आया वो फिर मेरे साइड रहेगा। एक ही प्रोसेस होता है, एक क्वाइल अगर भरना आप सीख लेते हो तो सारा मोटर वगैरह फैन वगैरह कुछ भी आप बना सकते हो, क्योंकि कनेक्शन जो होता है सेम होता है, सिर्फ इसमें भरने का खेल है कैसे इसमें भरा जाएगा। और डाटा जो ना बहुत ही ज़रूरी होता है, परफेक्ट डाटा, जो कि गाइस आपको पहले बता ही चुके हैं इसका परफेक्ट डाटा क्या होता है टेबल फैन का। फिर इधर भी एक ऊपर अब यहाँ पर भर देते हैं, जो कि देख सकते हो गाइस यहाँ पर भरा गया है, लॉक डाल लेते हैं। ये दूसरा कॉइल भी इधर का कंप्लीट हो चुका है, अब फिर यहाँ पर तीसरा कॉइल अभी हम भरेंगे इसमें, फिर रनिंग फाइनल यहाँ पर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रनिंग, जो पहले भरे हैं ये रनिंग क्वाइल्स है, और इसके बाद जो भरेंगे वो स्टार्टिंग क्वाइल्स भरेंगे। इस तरह से फिर कर लिए हैं, और इधर का यहाँ का जो लूप यहाँ से इसमें आया है वो फिर मेरे साइड रहेगा। एक ही बात को बार बार बता देते हैं गाइस, ताकि आपको पता चल सके इसका कनेक्शन यहाँ पर कैसे हो रहा है और कैसे सही इसका कनेक्शन होता है। यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ लॉक लगाना अभी बाकी है, जो कि ये लॉक ही अभी लग चुका है फाइनली। यहाँ पर जो बंधे हुए हैं इसको पहले खोल लेते हैं, अभी आगे इसमें काम क्या करने वाले हैं वो देखेंगे, फिर स्टार्टिंग कैसे भराया जाएगा वो भी जानेंगे। पहले रनिंग को यहाँ टेप वगैरह मारना होता है, जो कि काफ़ी सेफ देना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे पहले गाइस अब देख सकते हो इसमें भी टोटल 2 लूप इधर हो गया, 2 लूप इधर हो गया, टोटल यहाँ पर 4 लूप रनिंग का हुआ है। तो यहाँ पर पहले अभी कनेक्शन इसका होगा, यहाँ से 2 लूप ही बाहर निकालेंगे, 4 लूप नहीं निकालेंगे, क्योंकि गाइस 2 लूप यहाँ से निकालेंगे और फिर 2 लूप स्टार्टिंग कॉइल जो भरेंगे वहाँ से निकलेगा। तो यहाँ अभी कैसे कनेक्शन होगा ये देख सकते हो गाइस, ये जो लूप निकला है ये कहाँ से निकला है, इस कॉइल से निकला है, मतलब ये लास्ट कॉइल से लूप निकला है। ये फर्स्ट था, और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर से लूप निकला है, और इधर भी आप देख सकते हो ये 3 नंबर से निकला है। ये अगर इसको आप देखोगे तो ये देख सकते हो 1 नंबर से निकला है, मतलब 3 3 नंबर से जो लूप निकला है उसको यहाँ पर आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ये अब ज्वाइंट हो गया लूप जो हुआ यहाँ पर, अब लूप 2 ही हुआ, ये ज्वाइंट हो गया, इसको ज्वाइंट करके तो स्लिप वगैरह मारकर इसको पैक कर लेंगे, और ये दोनों लूप जो बच गया, ये दोनों देख सकते हो ये 2 लूप है, यही दोनों लूप बाहर निकलेगा। और इधर एक यहाँ पर ज्वाइंट हुआ था जब क्वाइल वाइंडिंग कर रहे थे उसी टाइम, तो गाइस इधर का भी ज्वाइंट करेंगे, एक ज्वाइंट उधर हो गया, दोनों को ज्वाइंट, इसका स्क्रैच हटना होता है, चाहो तो आप ब्लेड वगैरह पत्ती वगैरह से हटा सकते हो, या मोचिस से जलाकर भी इसका स्क्रैच हटा सकते हो। यहाँ गाइस इसका स्क्रैच इस पत्ती से हटा रहे हैं, जो कि काफ़ी आसानी से हट जाता है, मोचिस से भी हट जाता है, लेकिन गाइस ज़्यादा देर रखने के बाद ये जल कर तुरंत राख हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम कॉइल्स में उतना दम नहीं होता है। इस केस में अगर कॉपर कॉइल रहता है तो मोचिस से काफ़ी आसानी से
स्क्रैच हट जाता है। यह अब उजला दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो जैसे स्क्रैच हटा है, उससे पहले लाल दिखाई देता था जिससे स्क्रैच हट जाता है। यह अंदर में उजला रहता है, एल्युमिनियम का पहचान यह उजला रहेगा। अगर कॉपर रहता तो लाल दिखाई देता जैसा कॉपर रहता है। आपको पता होगा कॉपर का बहुत सामान भी रहता है तो किस तरह रंग का रहता है। तो यहाँ पर ज्वाइंट हो गया इधर, अब क्या करना है इसमें पहले एक नंबर स्लिप डालेंगे अभी। सो गाइज ये एक नंबर स्लिप है जो कि देख सकते हो यहाँ पर, इसमें स्लिप से ही इस ज्वाइंट को कवर करना होता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, हीटिंग वगैरह भी बर्दाश्त करता है। अब यहाँ पर गाइज जब स्टार्टिंग कॉइल भरेंगे, इधर जो छः घर खाली है और इधर भी छः घर खाली है, इन्हीं में स्टार्टिंग कॉइल्स भराएगा। तो गाइज पहले रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो उसके लिए यहाँ पर टेप देना होता है, या तो पेपर वगैरह दे सकते हो। सिर्फ कॉइल में कॉइल सटना नहीं चाहिए रनिंग और स्टार्टिंग में। तो उसके लिए गाइज ये मास्किंग टेप आता है जो कि मार्केट में अब उपलब्ध है, अवेलेबल है, जो कि मिस्त्री वगैरह भी ज़्यादातर ये टेप को यूज करता है और फैन वगैरह ही बनाने में। तो इस तरह से मार दिया। अब जब दूसरा कॉइल यहाँ पर भरेंगे थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में अटैच नहीं होगा, इधर भी इसी तरह से मारेंगे। ये यहाँ पर इधर से फाइनली हो चुका है, ये स्लिप थोड़ा सा बाहर था इसमें मार देते हैं। ये अब देख सकते हो इधर से कंप्लीट हो गया। अब स्टार्टिंग जब भरेंगे थोड़ा सा भी अटैच नहीं होगा। अब इधर भी ये दोनों लूप है, लूप को लूप रहने देते हैं और एक ज्वाइंट जो किए थे लूप लूप मिलाकर इसका भी स्क्रैच हटाकर पहले ज्वाइंट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस इधर का भी अब ज्वाइंट हो गया है, इधर भी एक नंबर स्लिप डाल लिए हैं। अब फिर क्या करना है, जैसे पीछे साइड टेप मारे हैं वैसे इधर भी टेप मारते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग का कैसे यहाँ पर वाइंडिंग होगा। सो गाइस इधर से भी टेप लग गया है, अब दोनों लूप को इस तरह से फिर मोड़ कर यहाँ पर रख लेते हैं। ये भी मोड़ दिए हैं देख सकते हो, इधर से भी अब मोड़ लेते हैं। फिर अब ये फाइनल होने के बाद ही इसको फिर खोलेंगे और कनेक्शन फाइनली करेंगे। फिर अब यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे, इसके लिए यहाँ पर फिर लगा दिए हैं। स्टार्टिंग का भी जो लूप निकलेगा वो इधर ही निकलेगा जिधर पहले लूप निकला हुआ है, ये दोनों देख सकते हो लूप, फिर इधर ही लूप निकालेंगे। तो यहाँ पर कोई भी फिर कॉइल स्टार्टिंग का एक उठा लिए हैं, फिर ये एक नंबर का पहले लेना है। और गाइज आपको बता दें कि अब जो भरेंगे यहाँ देख सकते हो ये कॉइल जो है, ये कॉइल इसके ऊपर यहाँ जो खाली है इसमें भरेंगे और इधर जो इसके ऊपर। तो गाइज यहाँ इसके एक ऊपर और यहाँ एक इसके ऊपर, फिर एक आठ पर ही भरेगा, इस तरह से कॉइल जाएगा। यहाँ नीचे भर सकते हो या इसको उल्टा कर पहले आप यहाँ भर सकते हो, कहीं भी भर सकते हो इधर से या इधर, पहले कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला। तो हम इस तरह से रख के पहले एक नंबर का फिर कॉइल उठाएंगे, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। फिर ये फर्स्ट कॉइल जो है इसका जो फर्स्ट लूप है वो मेरे साइड रहेगा, क्योंकि हर टाइम फर्स्ट लूप अपने साइड रखे हैं ये, इसलिए फिर अपने इधर रखे हैं। फिर यहाँ पर भर लेना है जिसमें अभी हम बताए थे, हाँ देख सकते हो ये जो भराया हुआ है कहाँ पर भराया हुआ है, देख सकते हो एक कॉइल्स के यहाँ पर ऊपर भराया हुआ है, पहले जो भरा हुआ था। फिर यहाँ पर लॉक डालेंगे, यहाँ पर लॉक लग गया है। अब फिर जो इधर भरेंगे यहाँ देख सकते हो इसके इसके यहाँ एक ऊपर ये जो खाली है इसमें भरेंगे। फिर जब इसको हम काउंटिंग करेंगे ये एक आठ पर ही होगा, वो भी अभी हम दिखाते हैं, पहले भर लेते हैं। सो गाइज फाइनली अब जो भरा गया है, अब देख सकते हो बीच में जो घर खाली है वो काउंटिंग आप चाहो तो कर सकते हो। इसमें छः घर खाली है और एक आठ पर ये भराया हुआ है। फिर ये फर्स्ट लूप जो निकला है इसे इसको फिर मोड़ कर रख लेंगे, जैसे मोड़ कर रखते हुए रखे थे इस तरह से मोड़ दिए हैं। फिर इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से, एडजस्ट यहाँ पर हो गया है, बैठ गया। फिर दो नंबर का कॉइल उठाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से इधर से जो निकला है फिर वो मेरे साइड रहेगा इसका लूप। फिर यहाँ पर भरेंगे एक, अब ये जो कॉइल अभी भरे हैं एक इसके ऊपर, फिर इधर एक इसके ऊपर, ऊपर ऊपर इस तरह से भर लेंगे। यहाँ पर दूसरा कॉइल भी कंप्लीट भरा गया है, एक इधर से ऊपर एक इधर से ऊपर। अब फिर इसके ऊपर जो खाली है और इसके ऊपर जो खाली है, फिर इसमें तीसरा कॉइल भरेंगे और इसका भी इधर से जो लूप, इधर से जो लूप इधर से यहाँ आया है वो मेरे साइड रहेगा। और फिर इसको एक एक ऊपर उसी तरह से करके भर लेंगे। इसके बाद फिर कैसे भरेंगे वो दिखाने वाले हैं, पहले इसको भर लेते हैं। सो गाइज इधर अब तीन कॉइल्स कंप्लीट हो चुका है, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। फिर ये जो लास्ट लूप बचा है अब इससे जो निकला लास्ट लूप, इसको फिर मोड़ कर रख लेते हैं। सारा लूप इधर ही निकाल रहे हैं, इधर ही निकालना है। अब देख सकते हो गाइज इस तरह से उल्टने के बाद फाइनल अब फिर नीचे से तीन कॉइल्स को भरेंगे। यही चीज़ पहले यहाँ हम कर सकते थे लेकिन ये यहाँ भरा गया, तो अब यहाँ पर दूसरा ही भरेंगे। अब ये गाइज फिर ये कॉइल उठाए हैं, इसका फिर अब फर्स्ट लूप मेरे साइड रहेगा और इसको भी अब डालेंगे। जो यहाँ अब देख सकते हो ये भी तीन घर इधर खाली है, एक दो तीन, और इधर भी तीन घर खाली है। मेरे पास तीन कॉइल्स है जो कि इसके अंदर आएगा,
पहले एक ऊपर इस तरह से रहेगा, उसके ऊपर जैसे ये भरे हैं सेम वही प्रोसेस अब इधर भी भरने में। तो गाइस वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो कंप्लीट इन तीनों को भर लेते हैं, फिर आगे क्या करेंगे और कैसे कनेक्शन करेंगे यह जानेंगे। सो गाइस यहां पर कंप्लीट इधर भरा गया है जो कि देख सकते हो, अब ये रनिंग और स्टार्टिंग यहाँ फुल हो गया है, एक भी घर अब यहाँ पर खाली नहीं है। फिर ये लूप जो अब लास्ट वाला बचा था यहाँ सारा लूप को मोड़ कर रखे हैं, इस तरह से देख सकते हो मोड़ दिए हैं सर। लूप को अभी कुछ नहीं करना है, पहले इधर का क्या करना है, यहाँ पर बांधना होता है। ये कैसे बांधना होता है ये देख सकते हो, इसमें है धागा लगा हुआ है जो कि कंपनी खुद क्या है, इधर से भी है धागा यहाँ, लेकिन हम धागा से नहीं बांधने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग जाता है और सेफ भी नहीं रहता है। तो गाइस उस केस में यहाँ पर ये देख सकते हो हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से जब टेप मार देते हैं ये देख सकते हो, यहाँ पर बांधने की भी ज़रूरत नहीं होती है और कम समय में यहाँ पर कम हो जाता है और परफेक्ट कम होता है। ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेंगे आप यहाँ, जब इसको फिर बॉडी में फिट करेंगे, बॉडी जो होता है जिससे खोले हैं, तो उसमें ये क्वेल्स वगैरह थोड़ा सा भी नहीं सटेगा और शॉर्ट सर्किट होने का थोड़ा सा भी चांस नहीं है। जब ये बॉडी में फिट करते हैं कभी जैसे क्वेल जल गया, थोड़ा सा ये अगर तार कोटरों में अगर सट रहा है बॉडी में तो बॉडी करंट आ सकता है, लेकिन इस केस में क्वाइल्स भी अगर जल जाएगा ये पेपर सटेगा क्वाइल्स में बॉडी में, तो शॉर्ट वगैरह कुछ भी मतलब झटका मारने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इस तरह से टेप मार लेते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है धागा बांधने से अच्छा। तो गाइस अब क्या करते हैं, अब जितना लूप है सारा लूप को पहले इस तरह से बाहर करते हैं। पहले तो यहाँ स्टार्टिंग का भी अभी कनेक्शन करेंगे, जिससे रनिंग का कनेक्शन किए हुए थे, दो दो तार टोटल चार तार था, ये देख सकते हो पहले हम निकाल लेते हैं चार तार, एक दो ये तीन चार, यहाँ पर कैसे कनेक्शन किए थे, ये जो लास्ट वाला से तीन नंबर से जो लूप निकलता है ये जैसे तीन नंबर से निकला है ये लूप, और इधर ये निकला है तीन नंबर से, तीन तीन नंबर क्या करते थे शॉर्ट कर देते थे ज्वाइंट, तो इस तरह से ज्वाइंट इसको कर लेते हैं, इसका फिर स्क्रैच हटा कर ज्वाइंट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ये ज्वाइंट ये हो गया देख सकते हो, ये ज्वाइंट करेंगे। अब टोटल दो लूप ये हो गया स्टार्टिंग का जो कि अंदर का हो गया, और दो लूप ये दोनों लूप, टोटल चार लूप यहाँ पर हो गया है, दो लूप रनिंग का दो लूप स्टार्टिंग का। इन सरा का पहले स्केच हटा लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा गाइस ये बहुत पतला है वायर, हालांकि 35 नंबर वायर जो कि कैमरे में सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो गाइस दिखाने का पूरी कोशिश करते हैं, पहले इसका स्केच हटा लेते हैं फिर पत्ती से और एक ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे लूप कैसे निकलते हैं। सो गाइस यहाँ सरा वायर का स्क्रैच हटा दिए हैं और ये ज्वाइंट जो किए थे उसमें एक नंबर स्लिप डाल दिए क्योंकि ज्वाइंट हो गया। अब ये चार लूप है, चारों लूप में पहले एक एक नंबर स्लिप डालेंगे, फिर इसमें ज्वाइंट लूप निकालेंगे लाल कलर से और काला कलर से, यहाँ पर लूप निकालेंगे, वो भी आप गाइस अभी देखने वाले हो कैसे यहाँ पर लूप निकालने वाले हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट होता है। सो गाइज यहाँ रनिंग के लिए दो लाल वायर और स्टार्टिंग के लिए दो काला वायर लिए हैं, जो कि देख सकते हो 10 दू वायर है। पहले रनिंग में लाल हम लगाते हैं, रनिंग कौन सा लूप था वो आपको पता ही होगा, जो पहले क्वाइल्स भरे हैं दो लूप जो निकला था पहले क्वाइल्स का वो रनिंग क्वाइल्स था, और बाद में जो दो क्वाइल भरे हैं वो स्टार्टिंग क्वाइल्स था। तो गाइज इस तरह से ज्वाइंट करना होता है, जो कि ज्वाइंट हो गया उसके बाद यहाँ पर तीन नंबर स्लिप इसमें डालना होता है या दो नंबर स्लिप, ये दो नंबर स्लिप है जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके अंदर जाने में, लेकिन परफेक्ट दो नंबर ही होता है। ये गाइस देख सकते हो यहाँ पर आ गया है, फिर एक नंबर पर इस तरह से कवर करते हैं, यहाँ पर कवर हो गया देख सकते हो, यहाँ पर ज्वाइंट जो किए हैं अब थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से इधर भी लाल पहले कनेक्ट कर लेते हैं फिर स्टार्टिंग का करेंगे, टोटल चार लूप इसी तरह से निकालेंगे, दो लाल यहाँ पर निकल गया है, अब दो काला यहाँ पर स्टार्टिंग निकालेंगे, जो अंदर का क्वाइल है मतलब बाद में जो भरे हैं, बाद में जो भरे हैं वो अंदर हो रहा है और पहले जो भरे थे वो बाहर में है, तो इस तरह से भी पता कर सकते हो कौन सा अंदर होता है कौन सा बाहर होता है, क्योंकि गाइज ये सब मिस्त्री का एक ट्रिक होता है बोलने का, रनिंग स्टार्टिंग अंदर बाहर ये सब समझने वाली ट्रिक होता है। अगर इन ट्रिक को आप नहीं समझते हो तो मिस्त्री अगर कुछ भी बताता है तो आपको समझ में नहीं आएगा आखिर बोल क्या रहा है, एक आठ एक दस एक बारह पर जो क्वाइल भरते हैं ये सब क्या है, ये सब आप नहीं समझ पाओगे अगर सही से ध्यान नहीं दोगे तो। है कुछ नहीं गाइज, जो कि आपको पता चल गया होगा बिल्कुल सिंपल है, इसका डाटा वगैरह जो आपको बताए हैं और डाटा के साथ जो वाइंडिंग किए हैं खुद आपको पता चल गया होगा, मतलब कैसे डाटा तैयार किए थे और कैसे इसमें भरे हैं। तो यहाँ भी पहले डाल लेते हैं, उसके बाद चार लूप यहाँ पर मेरा हो गया, दो लूप रनिंग का दो लूप स्टार्टिंग का, जो कि कंपनी इसी तरह चार लूप निकलता है,
किसी किसी केस में कंपनी 3 लूप ही निकालता है, एक कॉमन बना देता है पहले। तो गाइस यहाँ पर पहले लूप इस तरह से कैसे निकालेंगे ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से लूप निकालेंगे तो यहाँ पर धागा से बांधना होता है, लेकिन हम धागा से अभी नहीं बांधने वाले हैं। तो गाइज ये बेल्ट है जो कि देख सकते हो काफ़ी जल्दी में काम हो जाता है। ये गाइज देख सकते हो इसके अंदर फंसा कर जब ये टाइट कर लेते हैं ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, फिर ये ढीला नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है एक तरह से अगर बोलेंगे तो। अब इधर से भी 2 लूप जो निकालेंगे इसी के सामने निकालेंगे इस तरह से, टोटल एक ही जगह से 4 लूप निकलेगा। इधर भी एक बेल्ट मार देते हैं, उसके बाद फिर आप सोचते होंगे गाइज इसको बांधेंगे, बिल्कुल नहीं बांधेंगे। जैसे टेप मारे हुए थे पीछे साइड वैसे भी उसे ही इधर भी टेप मारेंगे, जो कि बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल परफेक्ट करने वाले हैं। तो फिर वही टेप है जो कि इसको मास्किंग टेप बोलते हैं या कागज़ वाली टेप भी बोल सकते हैं। तो गाइज इस तरह से मार लेंगे जैसे पहले पीछे साइड मारे हुए थे। यह गाइज काफ़ी आसानी से मात्र 10 से 15 सेकेंड में यहाँ पर बंधा गया, जो कि अगर धागा से बुनते तो कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाता बनने में, लेकिन यहाँ पर 10-20 सेकेंड में यहाँ पर काम हो गया है। देख सकते हो अब थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ थोड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ इस तरह से फिर टेप मार लेंगे ताकि थोड़ा सा भी यहाँ पर शॉर्ट वगैरह होने का चांसेज ना रहे। तो इस तरह से मार दिए। अब जो आगे का काम है गाइज वो ध्यान देने वाली काम है, जो कि बहुत ही ध्यान देने वाली है। अगर यहाँ पर आप गलती करोगे तो बाद में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें जो रोटर इसके अंदर जाएगा बिल्कुल घर यहाँ पर खाली रहना चाहिए ताकि रोटर इसके अंदर आसानी से आ सके। तो इसके लिए इस तरह से जगह बना दी है। अब जितना लॉक इसके अंदर डाले हैं 24 घर है, 24 लॉक है यहाँ पर। तो गाइज 2400 लॉक में क्या करना है, सारा लॉक को इस तरह से नीचे दाब देंगे, बैठाएंगे नीचे, ताकि इसके अंदर जब रोटर चलेगा तो रोटर पेपर में बिल्कुल अटैच नहीं होना चाहिए। ये सारा पेपर को इस तरह से बैठा देंगे, बैठ गया है जो कि फाइनली। अब यहाँ पर अभी इसको चेक करना बाकी है, ये क्वाइल सही बना है या नहीं बना है। सो गाइज चेक करने के लिए मल्टीमीटर लिए हैं, यहाँ पर सीरीज लाइन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन गाइज इससे अभी आपको चेक करके दिखाने वाले हैं। हम कंटिन्यूटी जेंच पर सेट कर दिए हैं और ये देख सकते हो अब जब ये दोनों लीड को सटाएंगे तो यहाँ कुछ यहाँ दिखाएगा नंबर और इसमें वाइब्रेट भी करेगा जो कि साउंड बीप कर रहा है, सुन सकते हो। तो गाइज अब जो क्वाइल चेक करेंगे, रनिंग का 2 वायर है, लाल लाल वायर जो है रनिंग का है, मतलब घूर फिर के फर्स्ट और लास्ट यही रनिंग का है, और ये दोनों स्टार्टिंग का है पूरा घूर घूर के यहाँ दोनों। ये शुरू का हुआ पूरा घूम घूम के फिर ये लास्ट हो गया, शुरू एंड लास्ट स्टार्टिंग का और ये शुरू एंड लास्ट ये रनिंग का। तो गाइज ये दोनों बताना चाहिए, देख लेते हैं बताता है या नहीं। एक यहाँ पर सटा दिए हैं, अब दूसरा यहाँ पर जैसे सटाएंगे यहाँ कुछ शो करेगा नंबर, कुछ सेकेंड के लिए करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्वाइल्स है और पतला वायर है जो कि रेजिस्टेंस बहुत कम बन रहा है, जिसका कारण यहाँ उतना शो नहीं करेगा। देख सकते हो ये, देख सकते हो 26 दिखा रहा था, ये फिर हटाते हैं फिर दोबारा सटाते हैं, ये देख सकते हो 24, इसी तरह से 24-26 इस तरह से दिखा रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है, बता रहा है तो सही है। उसके बाद स्टार्टिंग का भी एक इस तरह से रखते हैं, फिर इसमें एक जैसे सटाएंगे यहाँ फिर कुछ शो करेगा, ये देख सकते हो कुछ सेकेंड के लिए शो करता है, ज़्यादा देर यहाँ पर रहता नहीं है, ये शो कर गया। इस तरह से क्वाइल तो चेक हो गया, लेकिन गाइस सबसे मेन होता है बॉडी चेक करना। देख सकते हो यहाँ कहीं भी जब सटाएंगे दोनों बॉडी पर यहाँ बीप करने लगता है और यहाँ शो भी करेगा, ये देख सकते हो शो कर रहा है, कुछ शो कर रहा है और बीप भी बज रहा है। तो एक यहाँ लोहा पर कहीं सटने ही रहने देंगे, इस तरह से यहाँ सटा दिए कहीं भी। अब एक एक करके चारों वायर में इस तरह से सटा लेंगे, अगर कहीं भी वायर टच होगा तो यहाँ बीप अभी बजता और यहाँ कुछ शो करता, यहाँ बिल्कुल शो नहीं किया, मतलब बॉडी यहाँ वायर बॉडी थोड़ा सा भी नहीं है, क्वाइल बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब गाइज बात आती है इसको फिटिंग करने की, फिटिंग करने के टाइम में गाइज ध्यान देने की बात होती है बूस और सापट। सबसे ज़्यादा जो ख़राब होता है कूलर फैन या मिनी कूलर मोटर या टेबल फैन एडजस्ट फैन, जितना भी ये छोटा फैन होता है सब में बूस और सापट का ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो गाइज अगर बूस का प्रॉब्लम आती है तो उसको ध्यान में रखना है, बूस अगर ख़राब होता है तो उसको चेंज कर दो। अगर सर्विसिंग होने वाली है तो उसमें तेल और ग्रीस देना नहीं भूले, वो देकर ही आप इसको फिटिंग करें। अभी हम फिटिंग करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि गाइज वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, आप देखते देखते बोर भी हो गए होंगे, लेकिन गाइज जो भी मेन टॉपिक था वो आपको बता ही दिया है। फिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ 2-3 बात का आप ध्यान में देकर फिटिंग करके
चला देना है। लेकिन एक चीज़ अभी आपको बता देते हैं, एक चीज़ गाइज, इसको फिटिंग करने के बाद इसका कनेक्शन कैसे होगा ये हम बता देते हैं। सबसे पहले गाइज, इसमें चार वायर है, दो लाल है, दो काला है, एक लाल इस तरह से और एक काला ले लेना है, आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब ये दोनों मिलकर एक वायर हो गया, मतलब ये कॉमन वायर हो गया। इसमें हर हाल में एक लाइन देना है, फेज या न्यूट्रल, फेज या न्यूट्रल इसमें देना है। अब इधर जो दो वायर बच गया है, इसमें कैपेसिटर जोड़ेंगे। इसमें जो कैपेसिटर लगता है 2.5 का या 3-15 का, आप जो हिसाब से लगा सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से कैपेसिटर इन दोनों वायर में लग गया। अब एक लाइन तो हर हाल में यहाँ देंगे ही, फेज या न्यूट्रल। अब एक लाइन किस पे देंगे, एक लाइन इस पे देंगे, ये रनिंग वाले पे, ये लाल जो कैपेसिटर में लगा है यहाँ पर एक लाइन देंगे। और ये जो बच गया, इसको टेप मार कर छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको इस तरह से टेप मार देंगे। अब एक लाइन यहाँ कॉमन पर, एक लाइन यहाँ इस रनिंग वाले कैपेसिटर वायर पर देंगे, इन दोनों पर लाइन पड़ेगा। अगर गाइस इस केस में आपका पंखा उल्टा घूमने लगेगा तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना होता है। ये लाल वायर जो इस कैपेसिटर में है, ये लाल वायर खोल के इस कॉमन में दे देंगे और इस कॉमन का लाल वायर यहाँ कैपेसिटर पर देंगे। मतलब ये लाल को जो है उल्टा पलटी कर देंगे, इसका यहाँ इसका लाल यहाँ, यह कर देने के बाद फिर जब लाइन देंगे एक कॉमन पर एक लाल पड़े, तो बिल्कुल सीधा फिर घूमने लगेगा। अगर पहले ही सीधा घूमने लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग पर लाइन कभी देना ही नहीं है, नहीं तो कॉइल जलने का 100% चांस है, जो कि जल ही जाता है। तो गाइस, इस तरह से जो आप आज देखे हैं वाइंडिंग करते हुए, इस तरह से बहुत सारा समय में वाइंडिंग होता है। खास करके ये मोटर देख सकते हो, ये मोटर है जो कि 1 HP का मोटर है, इसमें भी 24 स्लॉट है। और गाइज, भरने का जो तरीका है, इसमें जैसे 3-3 का सेट भरे हैं, सेम वैसे इसमें भी 3-3 का सेट भराता है, और भरा भी था जो कि कटिंग कर दिए हैं। लेकिन गाइज, इसमें सेम इसी तरह से इसमें भी भरना होता है, लेकिन अंतर सिर्फ क्या आएगा, तार का गेज, मतलब तार मोटा या पतला, कितना इसमें मोटा पतला देंगे यह अंतर आएगा, और कितना टर्न्स देंगे। जैसे इसमें रनिंग 330 टर्न और स्टार्टिंग 300 टर्न दिए थे, इसमें वही थोड़ा सा अंतर रहेगा। इस हिसाब से गाइस, मेरे चैनल पे कूलर फैन, मिनी कूलर, मोटर, हर तरह का सीलिंग फैन, जितना भी मतलब इलेक्ट्रिक सामान होता है, हर चीज़ का वीडियो बना हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो गाइस, ताकि कोई भी वीडियो नया फिर बनाए तो आपको मिलता रहे। सो गाइस, जैसे यहाँ पर टोटल वायर 96 ग्राम लगा था, आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर होगा इसमें टोटल खर्च कितना आता है। तो गाइस, जोड़ लेते हैं, जैसे 500 रुपया केजी है एलुमिनियम, उस हिसाब से यहाँ 100 ग्राम मात्र लगा है, तो 50 रुपया का वायर लगा है उस हिसाब से। उसके बाद इसमें पेपर वगैरह, स्लिप वगैरह, सारा चीज़ अगर जोड़ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर 30-40 रुपया, 50 रुपया ही रख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर टोटल खर्च जो आ रहा है 100 आ रहा है मात्र। अगर आप इसको कहीं भी बनवाते हो तो 300 से 400 तो हर हाल में ले ही लेगा, जो कि गाइस अगर खुद से आप करोगे तो 100 रुपये में कंप्लीट कर पाओगे। आई होप कि गाइस आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।